उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को सहारनपुर से नगरीय निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत करने गए थे। इस दौरान उन्होंने जनता रोड स्थित महाराज सिंह डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया और पिछली सरकार को कटाक्ष करते हुए कहा, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। माफिया और अपराधी आज अतीत की बात हो गए हैं और उत्तर प्रदेश सुरक्षा, समृद्धि और रोजगार के प्रतीक के रूप में विकसित हो गया है। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरोती, अब यूपी नहीं है किसी की बपोती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी और योगी पर निशाना साधा है और कहा, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था कि उन पर कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जानबूझकर सरकार के लोग मिलकर मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। कितनी गुटबाजी हुआ उसकी चर्चा नहीं, लेकिन शहरों की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई, डबल इंजन की सरकार नहीं दे पाई। पूरा नगर निगम का पैसा भ्रष्टाचार के चढ़ गया, सब लूट हुई, बर्बाद कर दिया। उसी का परिणाम है कि गलियां नहीं सुधरी, आज भी गड्ढे शहरों में, कूड़ा भरा पड़ा है, जानवर भरे पड़े हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और सब चीज से ध्यान हटाने के लिए, खासकर महंगाई और गरीबी से और बेरोजगारी से, जानबूझ करके कुछ और मुद्दों को उछाला जा रहा है। यूपी में 4 मई और 11 मई को निकाय चुनाव का मतदान होना है और 13 मई को नतीजों की घोषणा होनी है।